एटमाडोल्ला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबह के समय एक टेम्पो में लदे संदिग्ध मांस को पकड़ लिया। थाना पुलिस ने मौके से टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गौ मांस पकड़ने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एटमाडोल्ला पुलिस संदिग्ध मांस की जाँच पड़ताल के लिए पशु चिकित्सालय के लिए एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया, संदिग्ध मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा। एसीपी छत्ता राकेश कुमार ने बताया कि टेम्पो में संदिग्ध मांस सहित एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वह एक्सपर्ट की जांच के बाद आगे की स्थिति साफ होगी कि पकड़ा गया मांस गाय का है या किसी अन्य जानवर का, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। ये रामबाग चौकी पर रामबाग चौराहे के नजदीक टेम्पो पकड़ा है पुलिस ने। क्या टेम्पो पकड़ा है? ये उसमें गौ मांस है, हमें सूचना मिली है। तो हमें जो सूचना मिली कि प्रांतीय संयोजक जनाब तिवारी जी, उनसे सूचना आई कि इस क्षेत्र में गौ मांस पकड़ा है, और हमने पुलिस से जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे हमने मांग की है कि इसका डॉक्टर बुला के इसकी जांच कराई जाए कि गौ मांस है कि नहीं है। उसके अलावा उन लोगों पर जो पकड़े गए हैं हम उचित कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई की मांग करी है, हम एक तहरीर देंगे और जो भी ये गौ मांस है या क्लियर करवा के फिर जमीन में जेसीबी से गड्ढा खुदवा के हम इसे गड़वाएंगे। और मेरा उन विधर्मियों से जो ये कृत्य कर रहे हैं बहुत कठोर और कठिन संघोष में मेरा निवेदन है, इस तरह की कार्रवाई ना करें। नहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला रामबाग पुलिस प्रशासन के अलावा भी इन लोगों का एक पुख्ता और मजबूत इंतजाम करेगा। जय श्री राम। जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्याम किशोर सर। ये सूचना पर मदौला पुलिस ने एक टेम्पो खोला है जिसमें कुछ मांस है, जिसके लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया है। उसे डिसाइड होगा है प्रतिबंधित पशु का है या नॉर्मल पशु का है। तदनुसार डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। सर, इसमें कुछ आरोपी पकड़ा गया? एक व्यक्ति जो टेम्पो चालक है वो पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की है।